अच्छाई का बुराई पर अब डंका बजने वाला है। मेरे ख्याल से हम सभी में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने बचपन में रामलीला ना देखी हो अपने आस पड़ोस के खुले मैदानों में, खुले खेतों में, खुले मंच पर इस तरह के जब मंचन किए जाते थे रामायण को लेकर, जिसे हम रामलीला कहते थे, और हजारों की भीड़ रामलीला देखा करती थी। लेकिन अब रामलीला जैसी चीजें जो है, ये जो हम देखकर बड़े हुए हैं, ये चीजें लुप्त होती जा रही है, क्योंकि इस तरह की मंडली जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जमाना डिजिटल युग का आ चुका है और डिजिटल युग में कोई अपना समय नहीं देना चाहता है। हालांकि नेता लोग इस तरह की चीजें कुछ करवाते हैं तो लोग पहुंच जाते हैं, जैसे नवरात्रि के मौके पर हम रामलीला देख लेते हैं, लेकिन वो रामलीला पूरी तरह से एक कॉरपोरेट नजर आती है। जो असली रामलीला हम देखा करते थे आम कलाकारों की, उनकी आम जिंदगी की, उनकी आम जिंदगी में क्या तकलीफें होती थी, जो कलाकार प्रभु श्री राम का, माता सीता का, लक्ष्मण का, हनुमान जी का जो भी किरदार निभाया करते थे, जो कलाकार, उन किरदारों से ही हमें इतना प्यार हो जाता था कि हम उन्हें भी भगवान समझते थे, भगवान मानते थे। और जब वो दूसरे दिन आम वेशभूषा में निकलते थे तो हम कहते थे कि देखो इन्होंने राम जी का किरदार किया है, ये लक्ष्मण है, ये हनुमान। तो ये सारी चीजें हम देखा करते थे। तो बचपन की ये बहुत सारी अच्छी यादें जो है रामलीला से जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। जो रामलीला के कलाकार होते थे उनकी जिंदगी में क्या तकलीफें होती थी, क्या पारिवारिक कलेश हुआ करता था, क्या राजनीतिक प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती थी, क्या लोकल लोगों से नफरतें फेस करना पड़ती थी, ये सारी चीजें हम देखा करते थे। और इसी तरह की रामलीला के किरदारों को लेकर जो उनके असमंजस भरी लाइफ है, जो दुख दर्द पीड़ा वाली चीजें है, एक कलाकार कैसे जीता है, वो सारी चीज एक फिल्म है मंडली, उसमें दिखाई गई है। अब मुझे पूरा यकीन है कि 90% लोगों को इस फिल्म के नाम के बारे में पता नहीं होगा। पहली बार आपने नाम सुना होगा। ये फिल्म पिछले महीने ही रिलीज हुई है, अभी रिलीज होकर 10-15 दिन हुए हैं। और ये फिल्म की प्रॉब्लम ये रही है कि फिल्म तो बहुत बेहतरीन है, फिल्म बहुत अच्छा अभिनय किया गया, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, कम संसाधनों में, कम बजट में इस फिल्म को बनाया गया है, सब कुछ बढ़िया है। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की फिल्मों को स्क्रीन नहीं मिल पाता है, और जो घटिया टाइप की फिल्में होती हैं, अश्लील फिल्में होती हैं, अब जैसे राजकुंद्रा की फिल्म आई थी उसे स्क्रीन बकायदा मिल गया, अर्जुन कपूर की वाहियात फिल्मों को स्क्रीन मिल जाता है, लेकिन इस तरह की फिल्मों को स्क्रीन नहीं मिल पाता है, जो वाकई में देखने लायक फिल्में होती हैं। अब इस कहानी में आप जब बढ़ेंगे, फिल्म को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इस कहानी के जो किरदार हैं, विनीत कुमार एक्टर, जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा विलेन का किरदार करते हुए, वो यहाँ पर एक रामलीला मंडली चलाते हैं और उसी से पूरी फैमिली आगे बढ़ती है, उससे जुड़े कलाकार आगे बढ़ते हैं। इसमें जो उनके बेटे हैं प्रभु श्री राम का किरदार कर रहे हैं, और जो उनका भतीजा है वो लक्ष्मण जी का किरदार कर रहे हैं। और एक मोड़ ऐसा आता है कि भीड़ जुटाने के लिहाज से रामलीला से जुड़े कलाकार होते हैं, वो एक डांस करवाते हैं। आप समझ लीजिए किस तरह का डांस करवाया जाता होगा भीड़ जुटाने के लिए। तो ये चीज जो है विनीत कुमार जो रामलीला के करता धरता है उन्हें पसंद नहीं आती है, और कुछ ऐसी भी चीज हो जाती है जिसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि रामलीला को जो मंडली है उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, और वो बंद कर देते हैं। इसके बाद बाकी सब कलाकार तो यहाँ वहां हो जाते हैं, लेकिन जो लक्ष्मण बने किरदार हैं वो किसी और रामलीला से जुड़ जाते हैं, मंडली से जुड़ जाते हैं, और वहां पर उनके साथ भी एक कलेश हो जाता है। वहां पर कोई उनको भांड कह देता है। अब कलाकार को भांड कहना ऊपर से उस किरदार में है देवी देवताओं के, तो ये चीज कैसे आगे बढ़ती है, ये सारी चीजें उस फिल्म में दिखाई गई है। इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, बीच बीच में आपको भक्ति के असीम सागर में डुबा देती है ये फिल्म। कलाकारों के प्रति क्या मानसिकता होती है वो उसका एकदम सटीक चित्रण किया गया है। फिल्म जो है अपनी सभ्यता और संस्कृति को समेटने में पूरी तरह से सफल भी रहती है। फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, शानदार है, आपको देखने में मजा भी आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप सोचिए कि कम बजट वाली इस तरह की फिल्मों को हम तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। लेकिन एक कलाकार कोई बॉलीवुड का कुछ अपशब्द कह दे, लेकिन कुछ सड़क छाप कॉमेडियन होते हैं जैसे मुनव्वर फारूकी जैसे लोग, माता सीता देवी देवताओं के ऊपर कुछ अभद्र जोक कर देते हैं तो वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। इस फिल्म को आप आसानी से 4 की रेटिंग दे सकते हैं। फिल्म बहुत